नमस्कार, स्वागत है आप सभी को प्रीसियस प्लांट के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे इंडियन आबोटिलन यानी कि इंडियन मैलो प्लांट के बारे में। दोस्तों, इंडियन आबोटिलन प्लांट को हिंदी में कंघाई भी कहा जाता है। इसका संस्कृत नेम अतिवला है। मराठी में इसको पेटारी और बंगाली में इसको पोटारी कहा जाता है। तमिल में इस पौधे का नाम पानियार तूती और मलयालम में भेलुराम है, जबकि ओडिया में इसका नाम पेड़ी पेड़ी का और बिल्ई फूलो भी कहा जाता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसका बोटानिकल नेम आबोटिलन इंडिकम है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में ये पौधा पाया जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जगह में ये पौधा ज़्यादातर दिखाई देता है। अक्सर ये पौधा सड़क के किनारे, खुले मैदान, उर्वर जमीन में पाया जाता है। स्थल विशेष में ये पौधा तकरीबन 1 से लेकर 3 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती है। इस पौधे की पत्तियाँ ज़्यादातर हृदय के आकार के होता है। कभी कभी इसका पत्तियाँ गोलाकार भी हो सकता है और स्थल विशेष में इसका आकार अंडाकृति भी पाया जाता है। इस पौधे में छोटे छोटे पीले रंग का फूल निकल आता है। ज़्यादातर पौधे में सितंबर से लेकर अप्रैल महीने में फूल खिलता है। इस पौधे में बहुत सी सुंदर फल निकल आता है और उस फल में 10 से लेकर 20 तक का सुंदर सुंदर और छोटे छोटे कड़ होते हैं। इस पौधे को ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र और ग्रामांचल क्षेत्र में औषधि तथा सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधि और सिद्ध औषधि में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। भारत एवं अन्य देश में कई प्रांतों में इसका फल को रंग के साथ इस्तेमाल करके सुंदर सुंदर निकासी बनवाया जाता है। फल जब सूखता है तो गाढ़ बादामी रंग से ढक जाता है और उसके बीज का आकार किडनी शेप होता है। इस पौधे को बचाइए और पर्यावरण का सुरक्षा कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभमय हो।